So right now I'm at the Mariinsky Palace, which is a ceremonial residence of the President of Ukraine. और यहाँ के हालात कुछ इस तरह हैं कि यहाँ के जो सारे स्ट्रीट्स हैं, सारे जगह जो है क्लोज कर दिए इन्होंने, जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए हैं, जो पार्क था उसके सामने उसको भी बंद कर दिया है और पूरा सुनसान पड़ा है. ऐसा लग रहा है जैसे लोग ही नहीं है इधर साइड में, वरना एक टाइम था जब यहाँ पे ये सारी चीज़ें ओपन हुआ करती थी, हम पैलेस के आसपास भी वॉक कर सकते थे, बट अभी अलाउड नहीं है. चारों तरफ बैरिकेड्स लगे हुए हैं. इसी तरह है माहौल यहाँ पर, और चारों तरफ यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ मैं कि यहाँ पे जो स्ट्रीट्स पे इन्होंने अपने तरफ से जो जितने सारे रशियंस जो आर्टिलरी जो डिस्ट्रॉयड हुए हैं, जो वेपन्स डिस्ट्रॉयड हुए हैं, उन्होंने पूरे स्ट्रीट पे लगा रखे ताकि लोग उसे देख सके और अप्रिशिएट कर सकें कि जो कुछ भी हुआ उसमें रशियंस का काफ़ी नुकसान हुआ है और हमारा तो वही हुआ है, बट रशियंस का भी नुकसान हुआ है. वो सारी चीज़ें भी हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ सारी चीज़ें. आई होप कि ये सिचुएशन और भी बेटर हो. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. एक नन्ही सी चिड़िया का यही फसाना था, टूटे थे पंख घर उड़कर ही जाना था, शायद इस तूफान को उसी वक्त आना था, तूफान को तो झेल गया हो कि तूफान को तो झेल गया हो, पर एक अफसोस था वही डाल टूटी जिस पर उसका आसियाना था.